भाभी पिंगला को छोटे देवर का प्रणाम है। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है देवर, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाभी मेरे स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई, लेकिन तुम्हारे कमरे से मैंने किसी इंसान को भागते हुए देखा है, कोई न कोई चक्कर है, तुम्हारे साथ में मैंने कुछ गलत व्यवहार देखा है। मेरे कमरे से हाँ, किसी इंसान को भागते हुए देखा है? बिल्कुल। तूने सपना तो नहीं देख लिया? हकीकत देखा है मैंने। मेरे कमरे में कोई मर्द नहीं था। तो कौन था फिर, जोर जोर से आवाज आ रही थी? मेरी बांदी थी। अरे भाभी क्यों झूठ बोल रही है, वो बांदी नहीं थी, वो तो कोई बांदा था। बांदा? हाँ। बांदे का मेरे कमरे में क्या महल काम? तेरे कमरे में कोई ना कोई तो काम कर रहा हो। कोई काम नहीं था बांदे का मेरे महलों में। झूठ बोल रही है भाभी। सच बोल रही हूँ। सच्चाई सच्चाई बता। मेरे महलों में कोई मर्द नहीं था। कोई था? कोई नहीं था। बता दे। अरे जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊँ, सच कह रही हूँ, कोई नहीं था। ए मेरी भाभी एक बार बोल। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई कई बार बोलूंगी, पर बोलू क्या जब कुछ है ही नहीं था। कौन तेरी सेज पे चढ़ा, तेरी भाभी हूँ मुझे मालूम है, और तू मेरा देवर है, लेकिन मैं तुझे माता का दर्जा देता हूँ। हर बड़ी भाभी माँ के समान होती है, मैं मानता हूँ, और एक बेटा अपनी माँ से ऐसे सवाल नहीं कर सकता। लेकिन जब एक माँ गलत काम करेगी तो फिर बेटा क्या करेगा? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तूने बहुत गलत काम कर दिया भाभी। अब तू पिटाई मांग रहा है देवर? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार है पिटाई के लिए? लेकिन मुझे बता दे क्या हो। पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। मंदिर में दान करते हैं, 100 रुपए हमारी पार्टी को देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। भाभी इन बातों से जो तू बातें छुपा रही है, ऐसे बात बनने वाले नहीं है। मैंने देवर तुझसे कोई बात नहीं छुपाई, मैं सच कहती हूँ कि मेरे महल में कोई नहीं था। सच कहती है, सच के सिवा कुछ नहीं कहती। हाँ सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहती, ये बात नहीं है। और ये जो तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है, हाँ, ये हरकत तेरी ठीक नहीं है। तुझे पता है कि अगर मैंने तेरे भाई के सामने ये तेरी हरकत बता दी तो तेरा भाई तेरा क्या हाल करेगा? पता है ना? क्या करेगा? तुझे जान से मरवा देगा। कोई बात नहीं है, सच्चाई के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे भाभी। अच्छा हाँ, कह दे तुझे क्या कहना है। सुन ले मेरी बात। मत बांधे मेरा पाड़ा
राजेंद्र जी हाड़ा हेड़ी से दीपा चौधरी के लिए 50 रुपए देते हैं, बार बार करते हैं। सजनों तू ही रख ले 50 रुपए को, लेकिन चुप हो जा। नहीं, क्योंकि जब मैं स्कूल से पढ़कर आया था, मैंने तेरे कमरे के अंदर देखा था। क्या देखा था? कुछ खेचा तानी सी हो रही थी। कमरे का गेट तो बंद था, तेरे कैसे देखा? खिड़की से। तेरा यही काम है कि ताक झांक कर देगा कि मेरे महल में कौन आता है कौन नहीं आता। अरे गर्दन गर्दा हो रही थी महल के अंदर। ओ गर्दन गर्दा तेरे सुन भी लिए। ओ मैंने सब कुछ देख लिया, कान भी बहुत बड़े। अरे लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरा हवा के धोखे से। तुझे विक्रम ने देख लिया आए रे धोखे से। समझदार है, बालक है, बालक बन के रहे। बिल्कुल बच्चा हूँ, लेकिन भाभी श्री जब इस प्रकार से हमारे इज्जत के साथ कोई आदमी बाहर का खेलेगा तो कोई चुप नहीं रहेगा। अच्छा हाँ। मन देखी खेचा तानी मत बोले, समझू तेरी समझू सब बेईमानी तेरी समझू। कभी झूठे असूलों से कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अच्छा हाँ। तूने सब देख लिया? हाँ। सच में देख लिया? बिल्कुल। अगर तूने सब देख लिया तो एक काम कर देवर, जो भी तूने देखा वो बात मेरे और तेरे बीच में ही रहनी चाहिए। मेरे तेरे बीच के सिवा केवल भैया को मालूम होगी, भाई का मत बताना। अरे उनको तो बिना बताए मैं रह नहीं सकता भाई। नहीं, जो तू कहेगा मैं वो करूंगी। अच्छा। तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। ओए होए होए, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन कोई इंसान हमारी इज्जत के साथ खेलेगा भाभी, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भैया भक्ति को सारी हकीकत सच्चाई बता देंगे। बताएगा? हाँ। बताएगा? हाँ। नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे। तो जा बता दे, मेरी पूछ पड़वा ली अपने भाई पे। तेरी पूछ भी पाड़ेंगे, तुझे भी पाड़ेंगे। हाँ। अब तक तो कुछ हुआ नहीं तुम दोनों भाइयों पे। अच्छा, अब क्या करोगे तुम? अभी देखती जा क्या क्या होगा तेरे साथ। कुछ नहीं होगा, अरे तू अपनी जान दे बैठेगा और कुछ नहीं बस। अच्छा हाँ, अगर तू इन बातों को अपने भाई को बताएगा तो तू नहीं जानता कि तेरा भाई तुझसे नहीं मुझसे ज्यादा प्यार करता है। चलो देख, जो मैं कहूँगी
वो उसको सच्ची लगेगी। एक तरफ तेरा प्यार है, एक तरफ उसके भाई की सच्चाई है, देखते हैं कि सच्चाई जीतती है प्यार जीतता है। भाभी प्यार जीतेगा, देखते हैं क्या दे। सुनिए सुन मेरी बात, कर क्या में मेरी बात सुन ले भाभी। हाँ मैं सारा कुछ करूंगा। चुप नागन इस बाने में, चुप नागन इस बाने में, मेरी सेवा करू खाने में, चुकी ना विच प्याने में, चुकी ना तेरी फेज पे चढ़ा।